दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। जैसा कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और साथ में शरद पवार की पार्टियों के बड़े मंत्रियों के खिलाफ में ईडी के द्वारा, खासकर की सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को लेकर। आप सबको पता ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले बीएमसी की टीम केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू वाले बंगलों पर पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां की छानबीन की थी। बाद में उनके द्वारा यह भी बोला गया था कि कुछ चीजें जो है इलीगल तरीके से बनाई गई हैं, उस पर जो है उनके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। अब जो है फाइनली बीएमसी की तरफ से एक अपडेट दी गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीएमसी ने नारायण राणे को एक हफ्ते का टाइम दिया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर बोला है कि जो जो चीजें बीएमसी के ऑफिसर ने मार किया है कि ये चीजें आपने गलत बनाई है, इसको आप तोड़वा दीजिए, नहीं तो अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आप नहीं उसको ठीक करते तो आपका पूरा का पूरा बंगला जो है वहां का गिरा दिया जाएगा। साथ में ही उस पूरे पूरे बंगले को गिराने में जो खर्च आएगा, जो भी लेबर से लेकर जो जेसीबी का खर्च आएगा, उसका भी पैसा आपसे भरवाया जाएगा। यह चेतावनी दी गई है बीएमसी के द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि एक हफ्ते का टाइम है, आप सारे की सारी चीजें तोड़वा दीजिए, नहीं तो हम जो है आपके खिलाफ में कार्रवाई करते हुए पूरे के पूरे घर को ही गिरा देंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।